नमस्ते। आज की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा नौवीं के गणित में लास्ट क्लास में आपने बहुपद के बारे में अध्ययन किया था। उसमें परिभाषा एक चर अचर द्विघात त्रिघात इन सारी चीजों की परिभाषाओं को अच्छे से समझा और सुना। ठीक, आज इसके सवालों को हल करें तो चलते हैं अध्याय दो बहुपद। आपको चर और अचर के बारे में मालूम है, x, y, z होते हैं और अचर होता है a, b, c या संख्या। इसके क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि अग्रलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। कौन कौन बहुपद द्विघाती है और कौन से त्रिघाती है। बच्चों, आपको हमने रैखिक और द्विघाती त्रिघाती समझा चुके हैं। सवाल एक, x की घात 2 धन x, इसमें अधिकतम घात 2 है। देखिए, x x के ऊपर जो दी जाती है वो घात कहलाती है, तो इसकी घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद होगा। सेकंड क्वेश्चन, x माइनस x की घात 3, अब इसमें घात 3 है तो अधिकतम घात कितनी होगी, 3। तीसरा सवाल, y धन y की घात 2 धन 2, अधिकतम घात y के ऊपर जो दी गई है उसको कहते हैं हम। ठीक है, तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघाती बहुपद। अगला सवाल, a धन x, इस x के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 मानेंगे तो ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। अगला सवाल, 3 टीवी चर राशि है तो t के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1, इसलिए ये कहलाएगा रैखिक। ठीक है, फिर अगला, r की घात 2, अधिकतम घात है 2 तो ये कहलाएगा द्विघाती बहुपद। 7 x की घात 3, तो x की घात के ऊपर 3 है तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद। ठीक है, प्रश्न 2 आईएमपी, देखिए इसको, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। ठीक, तो बच्चों पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुणांक क्या होते हैं। सपोज हमने कोई संख्या लिखी यहां 5 और y, तो इसमें 5 का गुणांक, गुणांक का मतलब जिस संख्या का गुणांक किया जाए, तो 5 का गुणांक कहलाएगा y है, क्योंकि इसे 5 के y इंटू y। ठीक है, और y का गुणांक, तो y का गुणांक 5 में है तो ये कहलाएगा 5। ठीक, तो समझ आया बच्चों गुणांक। अब इसमें पूछा है x की घात 2 का गुणांक। सबसे पहले सवाल में देखते हैं कि x की घात 2 जो है उसका गुणांक क्या है, उसमें किस संख्या का गुणांक है। ठीक, तो यहाँ पे x की घात 2 है, इसमें किसी भी संख्या का गुणांक नहीं है, तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे कि x की घात 2 में 1 का गुणांक। ठीक, ठीक इसी प्रकार दूसरा सवाल, x की घात 2 का यहाँ कोई गुणा नहीं है तो 1 मानेंगे, लेकिन यहाँ पे ऋण भी होगा। तीसरा सवाल, x की घात 2 में जो है ये इस संख्या का गुणा है, पाई बाय 2 का गुणा है। नंबर 4 में x की घात 2 जो है वो यहाँ नहीं है। ठीक, तब इसके हल को देखते हैं। देखिए
प्लस एक्स, ठीक है। तो इसमें जिस संख्या का गुणा है ये अब आपको हम बताते हैं। देखिए इस संख्या का गुणांक है वन का, ठीक है, इसका गुणांक क्या हुआ एक, ठीक। इसी प्रकार दूसरे में एक्स टू, एक्स टू का गुणांक यहां पे करेंगे टू माइनस एक्स टू, इसमें किसी भी संख्या को मानेंगे तो एक मानेंगे, प्लस एक्स की घात थ्री। अब पूछ रहा है x का गुणांक, हाँ x का गुणांक जो है यहाँ वन होगा, ठीक है, देखिए ये वाला वन, नेक्स्ट x टू का गुणांक, तो x टू में फाइव बाय टू का गुणांक हो जाएगा, ठीक। नंबर फोर, x2 का गुणांक यहाँ पे, यहाँ x की घात दो नहीं है, ठीक, यहाँ है करने 2x, इसका मतलब होता है कि x की घात जो है एक बटे दो है, टू इंटू एक बटे दो, इस प्रकार है। इसका मतलब इसमें घात जो है नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका गुणांक क्या होगा जीरो। प्रश्न नंबर चार देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक, जो क्वेश्चन में पूछा है वो घात पूछा है, तो घातों पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर एक, पांच एक्स की घात तीन धन चार एक्स की घात दो धन सात एक्स, ठीक, इसमें बहुपद में x की घात तीन भी है और दो भी है, तो अधिकतम घात जो होगी वो देखेंगे, अधिकतम घात है यहाँ तीन, ठीक है। दूसरा प्रश्न में चार ऋण y की घात दो, यहाँ y के ऊपर कितनी है दो है। तीसरा क्वेश्चन, पांच t ऋण करनी सात, t के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो वो एक मानेंगे, तो एक। क्वेश्चन नंबर चार, तीन, इसमें कोई भी चर राशि नहीं है तो उसको मानेंगे क्या जीरो मानेंगे, ठीक। तो इसके हल को देखते हैं, देखिए अधिकतम घात का पद पांच एक्स की घात तीन है, इसलिए इसकी घात कितनी होगी तीन, ठीक है बच्चों, तीन होगी इसकी घात। फिर दूसरा वाई की घात दो में अधिकतम घात जो है दो है, इसलिए इसकी घात कितनी होगी दो। फिर टी में क्या है एक घात है, इसलिए रैखिक कहलाएगा, ठीक। इसी प्रकार चार में केवल एक पद है जिसे तीन एक्स की घात जीरो लिख सकते हैं, और अतः इसकी घात क्या होगी जीरो। तो बच्चों आया समझ में आपको, देखिए आपको होमवर्क दे रही हूं कि आपने जितना भी आज है नोटबुक में आज के सवालों को नोट करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। सवालों की घातों बहुपद